तरह से मनोज तिवारी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 2000 करोड़ रुपए का घपला कर लिया, फिर मैंने सारे कागज एक बार देखे, तभी मुझे कुछ नगर निगम के कागज भी मिले। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि हमने 13,000 कमरे जो 2800 करोड़ रुपए में बनाने का एस्टीमेट तैयार किया था उसमें घपला कर दिया। 25 लाख रुपए प्रति कमरे के हिसाब से वो कह रहे हैं खर्च कर दिए सरकार, वो एस्टीमेट है। मैंने नगर निगम के कुछ कागज निकाले, ये नगर निगम की रेजोल्यूशन है स्टैंडिंग कमेटी का, ये पिछले साल का है। इसमें नगर निगम का एक प्रोजेक्ट है, 30 कमरे, 2 स्टोर रूम, 2 कंप्यूटर, 2 ऑफिस रूम, 2 लाइब्रेरी रूम, 1 हॉल, 3 रूम, 1 हॉल के लिए 2 साइंस रूम, और ये सब करके 43 कमरों का इनका प्रोजेक्ट है। 43 कमरों के इनके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो पेश की है वो 10,73,00,000 रुपए की है, 10.7380। तो 43 कमरों को अगर 10.7380 को डिवाइड करें 43 कमरों से तो कॉस्ट आती है, अगर कमरे के हिसाब से देखें, 24,95,000 रुपए। इस दर पे नगर निगम कमरे बना रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में ना तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल है, ना इसमें फर्निशिंग शामिल है। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं है, फर्नीचर कॉस्ट अलग है। ये जो लाइब्रेरी का फर्नीचर आप देख रहे हैं, अलमीरा वगैरह, ये सब वो उसमें शामिल नहीं है। सीलिंग, फैन, लाइट, बिजली, इसमें कुछ शामिल नहीं है। तो नगर निगम अगर स्कूल के कमरे बनाने का ठेके दे और 43 कमरों को बनाने पर थोड़ा पीछे 11.25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दे तो वो ठीक है, वो ईमानदारी है। दिल्ली सरकार अगर 13,000 कमरे बनाने पर 2800 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दे तो वो बेईमानी है, वो घोटाला है। प्रॉब्लम यहां हुई है इनको कि नगर निगम में उतने ही पैसे में ये एस्टीमेट लगा रहे हैं, जिसमें ना बच्चों के लिए डेस्क शामिल है, ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल है, ना फर्नीचर शामिल है, ना सीलिंग शामिल है, ना लाइब्रेरी और लैब का फर्नीचर शामिल है, इक्विपमेंट शामिल है। वहां बेईमानी हो रही है, असली बेईमानी तो ये लोग कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि इनके रेट खराब हो रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही है कि दिल्ली सरकार तो उतने ही कॉस्ट में फर्नीचर भी ले आ रही है, शानदार डेस्क भी ले आ रही है, शानदार टाइलिंग करवा दे रही है, शानदार इक्विपमेंट ले आ रही है लैब में, शानदार लाइब्रेरी का फर्नीचर ले आ रही है। नगर निगम जब दे रहा है तो उसमें ये सब शामिल नहीं है। यहां इनके रेट खराब हो गए, यहां इनकी बेईमानी पकड़ी जा रही है, इसलिए इनको दर्द है, इसलिए इन्होंने ये उठाया। मैं ये कागज आप सबको दे दूंगा, स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसमें 10,73,00,000 रुपए एक स्कूल है, हाँ जो भी हो एक स्कूल हो दो, स्टैंडिंग कमेटी ये तो स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है। इसमें इन्होंने 43 कमरों का रेजोल्यूशन, फिर कुछ टॉयलेट्स वगैरह उन सबका बनाने का रेजोल्यूशन शामिल किया, साउथ साउथ। तो अगर नगर निगम भी 25 लाख रुपए में हमसे घटिया क्वालिटी के बिना सुविधाओं के कमरे जब एस्टीमेट बनाता है तो वो 25 लाख रुपए के एस्टीमेट आते हैं, फिर मनोज तिवारी जी हमने कैसे घपला कर दिया? और हम तो उसमें सारी चीजें एडिशनल करके उसके एस्टीमेट निकाल रहे हैं। खर्चा तो उससे बहुत कम होगा, कल भी मैंने कहा था खर्चा तो उससे मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधा होगा, लेकिन अगर एस्टीमेट में बेईमानी हो रही है तो फिर आप भी तो अपने एस्टीमेट को देखो ना। ये एस्टीमेट आपने नगर निगम में पैसा खा लिया, इसका मतलब आप पैसा खा रहे नगर निगम में।